हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जगन्नाथ राइजर अभी तक हमने पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या क्या होते हैं क्या क्या कैसे बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर भी पढ़ा था हम ये तीन प्रॉपर्टी ज़ीरो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड एम्प्योरिटी परसिस्टेंट करेंट ये हम तीन प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज जो हमारा लेक्चर है वो इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर है जैसे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल करंट डेंसिटी तो दोस्तों आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो इन तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं सुपर कंडक्टिव कंडक्टर की सबसे पहले आज सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे एक मेटल है उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया अब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो हम देखते हैं दोस्तों जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है ये जो मटेरियल है ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी डिसअप्य करने लगता है सुपर कंडक्टिविटी रिड्यूस करने लगता है जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल की क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और मेटल हमारा एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा दोस्तों अपनी मैं बहुत पुरानी स्लाइड्स में आपको ये सब ये वाला ग्राफ कई बार बता चुकी हूँ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर <coughs> आज भी ये ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ होता है एक टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर रिड्यूस करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो मटेरियल एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करने लगता है जैसे कि अगर कोई मेटल है मटेरियल है अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रखते हैं तो वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है नॉर्मल स्टेट में आ जाता है लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर रखते हैं तो वो एज अ सुपर कंडक्टर स्टेट में आ जाता है तो दोस्तों हमने जैस हमने मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी तो हमारी क्या हुआ सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देता है अब हमने फिट टेम्परेचर को हमने और रिड्यूस किया तो हमने देखा कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी और कम टेम्परेचर लाने पर जो सुपर कंडक्टर स्टेट है वो फिर से गेन हो जाती है फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ाई हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई फिर हमने देखा कि जो मटेरियल है वो हमारा सुपर कंडक्टिविटी लॉस हो चुकी है उस डिस हो गई है फिर हमने क्या किया इस टेम्परेचर से फिर टेम्परेचर और रिड्यूस किया तो हमने देखा कि इस टेम्परेचर के बाद जब हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तो सुपरकंडक्टर मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी फिर से आ जाती है अचीव कर लेता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ऐसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाई और बढ़ाई तो हमने देखा अब की बार अगर हम इस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर करते हैं तब भी मेटल की सुपर कंडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होती है और उसमें कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रह जाती है तो तो दोस्तों यही इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर मेटेरियल में जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज को उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अब इसके भी हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख सकते हैं जैसे सुपर अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग नहीं है तो सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टर कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं सुपर कंडक्टिविटी रिड्यूज़ होती जाती है सुपर कंडक्टर मटीरियल की और वो नॉर्मल स्टेट में आता जाता है आता जाता है आता जाता है लेकिन जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई और टेम्परेचर को रिड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई लेकिन टेम्परेचर को रिड्यूस किया तो हमारी सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है फिर से लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड को बढ़ाने के बाद अगर हम टेम्परेचर फिर भी रिड्यूस कर रहे हैं तब भी हमारी उस मेटल की कंडक्टिविटी नहीं होती दोस्तों इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया एक्स एक्सेस पर और बाई एक्सेस पर हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप लोगों को पता है एच से डिनोट होती है हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस कुछ इस तरह बनेगा इस स्टेट में जहाँ शेडिड पोर्शन है यहाँ पे मेटल मेटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी स्टेट रहती है लेकिन इसके बाहर ये नॉर्मल स्टेट में बिहेव करता है इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे जैसे हमारी हमने करंट डेंसिटी ये बढ़ाई तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा ये आया तो अगर हमें सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करवाना है तो हमें टेम्परेचर यहाँ लाना पड़ेगा फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ रहा है सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी को रिज्यूम रे, करने के लिए लेकिन हमने देखा जब हमने एक मैक्सिमम पॉइंट पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर हम लाए तो टेम्परेचर हमारा जीरो जीरो केल्विन हो गया तब भी है तब हमारी तब भी सुपर कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं अचीव हो पाई तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं ये जो शेडिड पोर्शन है ये हमारा एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा है और इसके बाहर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर का और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों अब इस वाले ग्राफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में और एग्जाम में पूछे जाते हैं अब इस इसका एक फॉर्मूला भी है जो निकालने के जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है एच सी इज इक्वल्स टू एच नॉट वन माइनस टी अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर का होल स्क्वायर ब्रेकिंग एच नोट क्या होता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है जब हमारा टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन होता है एच सी क्या होता है ये भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन टेम्परेचर जब हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी और नॉर्मल टेम्परेचर टी ओ जैसे अगर हम मरकरी की बात करें तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है फ़ोर पॉइंट टू केलविन ये हमें नोन है अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या हो गया फोर पॉइंट टू केलविन हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो गया जैसे थ्री पॉइंट टू तो हमारी जो इसकी वैल्यू है तब हमारी निकल जाएगी जितनी वैल्यू हमने बढ़ाई है एच नोट उस हिसाब से टेम्परेचर जो आएगा इन सब वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारी एच सी की वैल्यू निकल जाएगी अब दोस्तों मैग्नेटिक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तभी हमारी सुपर कंडक्टिविटी रिड्यूज़ होती है या मिनिमम होती है जैसे कि अगर ये कोई कंडक्टर है इसमें हमारा करंट फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज़ हो रहा है तब भी हमारे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से भी सुपर कंडक्टिविटी हमारी रिड्यूस हो जाती है मटेरियल की तो दोस्तों ये समझने के लिए अब हमें इसकी हमें इसकी फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी जो क्रिटिकल मैग्नेट जो क्रिटिकल करंट डेंसिटी और क्रिटिकल करंट है उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा तो जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है करेंट क्रिटिकल करेंट, क्रिटिकल करेंट और क्रिटिकल करेंट डेंसिटी अब इन दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल करेंट हमारा है आईसी और क्रिटिकल करंट डेंसिटी है हमारी जे सी जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी करंट डेंसिटी इंक्रीज होगी और हमारी सुपर कंडक्टिविटी रिज्यूज़ हो जाएगी अब अगर हमने क्रिटिकल करंट को एक पर्टिकुलर करंट से ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारी सुपर कंडक्टिविटी रिज्यूज हो जाती है दोस्तों ये हम कैसे समझ सकते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है इसमें हमारा करंट जा रहा है आई तो इसके आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी इंक्रीज़ होगी और हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर है वो हमारा रिड्यूज़ होगा इसे हम कैसे समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी सुपर कंडक्टिविटी रिड्यूज़ होती है दोस्तों इस पर भी नुमेरिकल आते हैं और क्रिटिकल करेंट का फार्मूला होता है टू पाई आर एच सी एच सी हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आई कैलकुलेट करिए तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके आई भी निकाल सकते हैं और आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता जा सकता है कि क्रिटिकल करेंट डेंसिटी आप निकालिए तो क्रिटिकल करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जे सी इजिकल्स टू आई सी अपॉन ए आई सी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन में दी हुई होगी तो उससे हम क्रिटिकल करंट डेंसिटी को निकाल सकते हैं तो दोस्तों हमने अभी तक अपनी छह प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की देख ली हैं आगे और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे धन्यवाद